हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और मस्ती से रह रहे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मैं आज कर रही हूँ अपने जो है किचन की जो साफ़ सफाई है, क्लीनिक, वो कर रही हूँ मैं आज। तो आप समझ लीजिए कि स्मॉल किचन है या फिर बिग किचन है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसमें जब काम फैल जाता है, एक बार हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो डब्बों पर चिकनाई जमी होती है या फिर जो खुले में डब्बा रखे हैं उन पर चिकनाई जम जाती है, तो उन्हें साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बस मैं यहाँ जाले वाले हटा रही हूँ हल्के फुल्के से, वैसे जाले नहीं थे, तो जो भी है मैं हटा रही हूँ यहाँ से, और धूल मट्टी हो जाती है हल्की फुल्की, तो यहाँ कर रही हूँ मैं क्लीनिक, तो कर लेती हूँ मैं जल्दी, क्योंकि जो है आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्लीनिक करना तो बहुत ज़रूरी है। और दो तारीख से नवरात्रे हैं अब, तो नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं सारे डब्बों को एक एक करके नीचे उतार लूँगी अब। और इसमें जो सीट बिछी हुई है इसको मुझे वॉश करना है और धूप में सुखाना है इसको अच्छे से, ताकि इसमें कोई सीलन वगैरह ना रह जाए। और ऊपर चढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता है ऊपर तक ज़्यादा। और सारे डब्बों को उतार कर मैंने अच्छे से इनको वॉश किया था, सबसे पहले इनको साबुन से मांजा था और फिर उसको वॉश किया था मैंने पानी से अच्छे से, और अच्छे से कस के मैंने बंद कर लिया था इनको, क्योंकि ज़्यादा पानी वगैरह कुछ अंदर ना जाए। और जो ख़राब डब्बे थे वो मैंने फेंक दिए थे। और आवाज़ मेरी फिर भारी भारी हो रही है थोड़ी, क्योंकि गला सा बैठा हुआ है हल्का फुल्का, तो यहाँ मैं कर लेती हूँ क्लीनिक। और आप लोग प्लीज़ फुल एंजॉय कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे डब्बे उतार लिए थे ऊपर से, और जो कप वगैरह हैं वो मैंने, कांच के जो बर्तन हैं वो मैंने रखे रहने दिए हैं, अभी मैं बाद में वॉश करूँगी। और ये मैंने इसी तरह से वॉश किए थे, कहीं बाहर नहीं निकालने की ज़रूरत होती, क्योंकि जो है सिंक जो है अंदर ही है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी है जाने की बाहर, तो मैं ही इनको यहीं पर वॉश कर रही थी अच्छे से। पहले इनको इस तरह से मैं मांज रही थी ऊपर से साबुन से, और उसके बाद मैं इनको धो रही थी एक एक करके, क्योंकि बर्तन जो है इन पे हल्की फुल्की चिकनाई स्टील के बर्तनों पे या फिर प्लास्टिक के डब्बों पर जम ही जाती है, चाहे कितना भी इन्हें बचाओ। तो यहाँ पर मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये जो है सीट जो है भीग गई थी, मतलब सूख गई थी अच्छे से, बिल्कुल सीलिन नहीं थी इसमें, तो मैंने ये बिछा दिए हैं यहाँ पर, और एक एक करके मैं इस पर डब्बों को लगा लूँगी। और मेहनत तो बहुत लगती है फ्रेंड्स ये सब काम करने में, लेकिन हम वीडियो में तो हम छोटा करके दिखाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और मैंने अपने सर को भी ढक रखा है ताकि धूल मट्टी ना जमे ज़्यादा, क्योंकि मैंने उस दिन सर नहीं धोया था। तो बस यहाँ पर मैं एक एक करके इन डब्बों को पोंछ लेती हूँ, और धोकर पोंछ कर जब रखूँगी मैं इनको ऊपर। अगर हम सीलन से रख देते हैं तो कीड़े वगैरह होने का भी डर रहता है, इसलिए इनको सुखाकर और अच्छे से पोंछ कर जब रखना चाहिए, तो मैंने बस वही किया था। और आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और एक लाइक तो बनता है प्लीज़।
की सफाई करने में फ्रेंड्स टाइम तो बहुत लग जाता है, और ये टाइल वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ किया था, क्लीन किया था, टाइम भी लग गया था मुझको, 2 घंटे लग गए थे, 2 नहीं तो आप 1.5 मान लीजिए, क्योंकि जो शीट थी वो उतार कर धो कर सुखाई थी अच्छे से, डब्बे सुखाए थे अच्छे से, तो उसमें टाइम लग गया था मेरे को। और हर चीज़ पूछ कर धो कर अगर करो अच्छे से ढंग से तो टाइम लग ही जाता है, अगर उल्टे से तरीके से करो तो वो ज़रा से देर में हो जाता है, कोई भी काम हो ज़रा से देर में काम हो जाता है, अगर उल्टे से तरीके से करो और ठीक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमें अच्छे ढंग से ही करना चाहिए कोई भी काम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गिलास ऊपर से उतार लिए थे जो कांच के बर्तन थे, और जो ये सामने की टाइल्स हैं इनको मैंने अच्छे से साबुन से सर्फ से वॉश कर लिया है, और गैस चूल्हे को भी मैं क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ पर सारा जो है क्लीन हो चुका है, और इसको अच्छे से पोंछ दूँगी सूखे कपड़े से, और ये जो कांच के बर्तन हैं इनको भी पोंछना है, और जो स्टैंड है इसको भी वॉश करके जब रख रही हूँ इस पर जो बर्तन है कांच के, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है, चिकनाई विकनाई जम जाती है ना इस पर, तो उसको भी वॉश करना ज़रूरी है, तो मैं क्लीन होने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे कि मैंने अपनी किचन क्लीन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किचन सारा क्लीन हो चुका है, और इवनिंग का है टाइम, तो इवनिंग में मैंने जो है यहाँ पर जो बर्तन थे कांच के उनके ऊपर मैंने रुमाल रख दिया था ताकि वो जो पानी है उसको सोख ले, और ये सारा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर खाना पीना ही कुछ बना रही थी तभी का है, क्लीन हो चुका है सारा किचन अब। तो आज का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।